तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और बद्रीनाथ के बाद आ चुके हैं हम घर, और काफ़ी थकान होने के बाद आज हम जा रहे हैं गाड़ी ठीक कराने जीजू के साथ। और जीजू की गाड़ी थोड़ी डैमेज हो गई पीछे से, वो ठीक करानी है। बाकी याशना जी भी साथ में हैं, तो अभी जा रहे हैं हम मनीमाजरा और चंडीगढ़, तो वो चलते हैं अभी और ठीक कराते हैं गाड़ी। आपको दिखाता हूँ गाड़ी का पीछे से व्यू, क्या खराब है क्या नहीं। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं मनी माजरा की मार्केट में, जो कि यहाँ पे कार को ठीक होती है, कहता हूँ आपको मैं। तो भाई लोगों यहाँ पे देख सकते हैं कार ही कार है जो ठीक होती है, बाकी देखते हैं गाइस कितना टाइम लगता है। तो चलते हैं बाहर, करते हैं ठीक कार। भाई लोगों पीछे का टापा निकल गया ये। तो ये लाइट उड़ गई इसकी, बस जी बस देख ये तो टूट ही गया, थोड़ी लगेगा किनारे टूट गया है, ये किनारी भी टूट गया है यहाँ का। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कितना नुकसान हो चुका है। ये ब्रेकर क्या करना, नया चेंज करना कि रिपेयर करना है वाला। तो भाई लोग अभी ये टापा खोलेंगे और करेंगे ठीक इसको, डेंटर करेगा सर, वो डेंटर करेगा। तो भाई लोग अभी यहाँ की लाइट खोल दी गई है, बाकी इस बम्पर को निकाला जाएगा, उसके बाद इसको ठीक किया जाएगा नीचे से पूरा। और जो इसके नक्के हैं ये वाले ब्लैक ब्लैक, इसको नया डाला जाएगा, ये टूट गया है यहाँ से, देखो गाइस ये। तो याशना जी आपको कैसा लग रहा है ठीक कराते हुए गाड़ी, बोलते ही नहीं तो यार। बाकी गाइस ये मार्केट है यहाँ की मनी माजरा की, बाकी इसका ये भी खराब हो गया, ये चीज भी खराब हो गया, देखो गाइस पूरा खराब हो गया। तो भाई लोगों को बम्पर निकाल लिया, अभी देखो ये पीछे का व्यू है, देख सकते हैं बिना बम्पर की गाड़ी कैसी लगती है। तो नहीं ब्रा भाई, हम रोज नहाते हैं यार, आने तो रोज नहाते हैं यार, दिखा लो कार में, एक नहीं है देख ले। ओ नहीं नहीं बस यार, देखने का कोई पैसा नहीं है सर। ओ नहीं नहीं यार बस। तो भाई लोगों यहाँ पे एक भैया आया, कहता कान साफ करा लो, और कोई काम नहीं इन लोगों को। देखो यार ऐसा क्या कैसे कैसे लोग हैं ना, बस कान साफ करा लो, हम घर पे करते नहीं कान साफ, करते हैं ना आप, करते हो कान साफ, अभी तक छोटे आप क्या करेंगे। तो भाई लोगों देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको ठीक होने में। तो भाई लोग अभी ये जो नक्के हैं इसको जोड़ा जा रहा है, और इसको गर्म करके जोड़ा जाता है। वहाँ तो ठीक हो गया, यहाँ ठीक होना है। तो भाई लोग अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी ठीक होने का, बाकी अभी काम चल ही रहा है, काम भी चल ही रहा है इसका, काफी टाइम लग गया। बाकी याशना यहाँ पे खेल रही है, और गिरना चाहिए याशना, क्या कर रहा है पानी गिरचेगा, क्या कर रहा है याशना यार। तो याशना खेल रही है यहाँ पे, इसका भी टाइम पास नहीं हो रहा है, बाकी सड़क के किनारे बैठे हैं और देखते हैं गाइस कितना टाइम लगता है कितना नहीं। तो भाई लोगों अभी ये बम्पर लग चुका है, और अभी हम करा रहे हैं लीवर ठीक, जो हैंडल है उसका दिखाता हूँ आपको। तो बम्पर लग गया है भाई लोगों, अभी यहाँ पे लगा रहे हैं बम्पर, वहाँ होगा डेंटर कह देना, वो सामने जो फॉर्च्यूनर लगा हुआ उससे आगे भूरे नाम का डेंटर है, भूरे। इसको ठीक करेंगे। तो भाई लोग अभी लगा रहे हैं इसको, अंदर कर रहे हैं। तो भाई लोगों हो चुका है यहाँ पे ठीक, बाहर का भी अंदर का भी, बाकी यहाँ का थोड़ा रह गया है, तो भाई कर रहे हैं अभी।
तो ऐसे जी कैसा लगा आपको ये सब? नहीं भैया बस यार बहुत परेशान करते हैं यार ये। नींबू वाली पिएगा ऐसा तो देखते हैं भैया कैसे बनाते हैं कौन का जीरा। आपके लिए थोड़ा एक बना दे, एक ही बना दो। ये कितने गिलास हैं? ये 30। 30 का 20 का कौन सा है दिखाना? 20 वाला बना दो, तीसरा रहने दो, पीछे ना कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो फाइनली गाइस अभी हो चुकी है गाड़ी ठीक, बाकी अभी हम जा रहे हैं और यासिन जी बैठ गए हैं आगे और जी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। बाकी खर्चा यहाँ पे कम आया, वैसे इतना ज़्यादा नहीं आया, और एजेंसी जाते थे वो कम से कम 5-6 हज़ार तो बना ही देते, तो यहाँ पे ठीक है गाइस, काम चल गया अपना और काफ़ी सही है। और हुंडई वाले के पास लेबर भी नहीं होती है, एक ही बंदा रखते हैं एक एजेंसी में बस, फिर बैठे रहे उनकी वेट करते रहे दो दो घंटे तीन तीन घंटे। अगर आप हुंडई शोरूम में जाएंगे तो थोड़ा देख के जाइए, क्योंकि यार कलर भी लगाते हैं गाड़ी में अगर। तो फाइनली गाइस यहाँ से जा रही है अपने घर और जाने का टाइम हो चुका है यहाँ से, बाकी गाड़ी पूरी ठीक हो चुकी है। इफाबत ले जा अपना, ले जाने के आइसक्रीम खाएंगे फिर हम रात को है बाय आशु, आराम से जा। तो मौसम काफी गर्मी वाला आज, बाकी गाड़ी वहां खड़ी है पार्किंग एरिया पे है। बाय। तो भाई लोगों याचना जा चुकी है घर और रात हो गई है अभी, तो बाकी घर हो गया सुना सुना और घर वाली तो आपको पता ही है मायके जा रखी है, तो अब क्या करें अकेला बैठ के बोर हो गए हैं। तो याचना होती थी तो टाइम पास हो जाता था, खेल लेते थे, तो अब क्या कर सकते हैं, टीवी देखते हैं, टाइम पास करते हैं अपना। और अपना मिलते हैं आपको सुबह अर्ली द मॉर्निंग और ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। बाकी पूजा हो रही भी घर में, हम भी पूजा कर रही है, तो फिर मिलते हैं आपको गाइस फिर सुबह, और अभी सोते हैं भाई खाना वाना खा के। तो भाइयों मेरी तरफ से नमस्कार, और शुरुआत होती है शाम से, सुबह तो काम पे चले गए थे तो अभी हम काम से आके सीधा सिस्टर घर पे आ गए। बाकी याशा जी से भी मिल गए थे, रात को याशा जी ले गई थी घर अपने, और मौसम सुहाना है अभी शाम को। बाकी याशा स्केटिंग खेल रही है और मम्मी और भी आ रखे हैं यहाँ पे, चांदनी और के घर यानी सिस्टर के घर, और चैरी जा रही नीचे, चैरी चैरी नीचे जा रही, चैरी बाकी सारे खेलते पहले। तो भाई लोगों मौसम हो लिया बारिश वाला, बूंदे टपक रही है और यासना खेल रही है बाजू में। दोबारा ईशान दोबारा। तो भाई लोगों याचना अभी स्केटिंग कर रही है एक पैर से, और काफ़ी यहाँ पे इसने तहलका मचा रखा है स्केटिंग से, निकाल नहीं पा रही है, तो इनकी शक्ल देख लो गाइस। तो बारिश का आनंद ले रहे हैं सारे। अब ये क्या है, इसमें क्या है, इस अरे जूते, ओ गर्मियों के सर्दियों के जूते हैं बर्फ़ वाले, ये क्यों पहन रहा है, अभी करती है तुमने। बाकी गाइस पौधे पौधे लगा रखे हैं बढ़िया, ये आम का पेड़ लगा रखा है, इसमें आम उगेंगे, अंबिया खाएंगे फिर। भाई लोग अभी हम छत में घूम रहे थे, हमें मिला एक चीज दिखाता हूँ मैं। तो गाइस ये है तलवार, और याशा जी देखो क्या मिला, तलवार, इसे तलवार कहते हैं वैसे। तो गाइस वैसे जैसे घास काटते हैं,
मगर इससे कुछ और भी काटा जा सकता है। अभी हैवी है यार ये तो, जंग लगी मगर इसमें ना जंग लग गई इस पे। हाँ जंग ये ब्राउन ब्राउन जंग लग गई इस पे, ये जितनी भी है। तो गाइस ठीक है भाई, सेफ्टी के लिए भी ठीक है, वैसे भी ठीक है। बाकी बारिश आ चुकी है, हाथ गंदे हो गए गाइस, बूंदाबांदी तेज हो गई, वैसे चलते नीचे की तरफ। तो फाइनली गाइस अभी घर आ चुके हैं, बाकी यासन जी भी साथ आ चुके हैं, और अभी हम लेके आए थे जलेबी, तो यासन जी के लिए गए थे हम ये चॉकलेट के शॉर्ट्स कैडबरी के, और देखते हैं कैसे होते हैं कैसे नहीं। तो भाई लोग वो जलेबी निकालते हैं और खाते हैं। पानी तो है ही नहीं, चलो जलेबी अच्छी जलेबी ले आ जा, बनवाइए स्पेशल मोटी मोटी जलेबी। तो जलेबी खाते हैं गाइस और मिलते हैं आपको। तो भाई लोगों अभी हो चुकी है रात और सोने का टाइम, मुझे कहा बाकी यासन जी खा रहे खाना, और बाहर मौसम हो चुका है ठंडा क्योंकि बारिश आ रही बहुत तेज, बाकी लाइट भी नहीं है आज। तो यासन जी अभी खाना खा रहे हैं, पता कितना टाइम लगाएंगे, कितना टाइम लगाओगे यासन जी आप? कोई वो नहीं, इसका खाना तो अभी पड़ा बहुत इसका, और आधी रोटी पड़ी है अभी इसकी, बाकी देखते हैं ऐसा कितना टाइम लगाते हैं खाना खाने में। और आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको सुबह अर्ली द मॉर्निंग, और आज के लिए गुड नाइट, शब बाय।